अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो फॉर यू। सो प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर पीसी में, अपने सिस्टम में उर्दू लैंग्वेज या कोई सी भी लैंग्वेज इंस्टॉल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलती हैं अपने फीचर की तरफ। आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करते ही आपके पास विंडो सेटिंग के ऑप्शन शो होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है टाइम एंड लैंग्वेज का। अगर ये ऑप्शन शो नहीं भी होता है तो आप टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में लैंग्वेज सेटिंग और एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास लैंग्वेज सेटिंग शो होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें से आपके पास एक ऑप्शन है प्रिफर्ड लैंग्वेजेस का। प्रिफर्ड लैंग्वेजेस का मतलब है कि आप अपने पीसी में कौन सी लैंग्वेज इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने दो लैंग्वेजेस यूज़ की हुई हैं, जिसमें से हम उर्दू अभी रिमूव कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि लैंग्वेज इंस्टॉल करनी कैसे है। हमने ऐड या प्रिफर्ड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चूज अ लैंग्वेज टू इंस्टॉल में बहुत सारी लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। सर्च बॉक्स यूज़ करते हुए भी आप अपनी लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमने उर्दू टाइप किया तो उर्दू, हमारे पास दो किस्म की उर्दू लैंग्वेज शो हो रही है, एक उर्दू इंडियन एंड उर्दू पाकिस्तानी। नाउ इट्स अप टू डिपेंड टू यू विच लैंग्वेज यू यूज़। मैंने उर्दू पाकिस्तानी पे क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो चुका है। चले अब हम आपको बताते हैं कि इसको यूज़ कर कैसे सकते हैं। आप विंडो की प्लस स्पेस बार की यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड में, जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगी। नाउ अब हम लिख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सारे वर्ड्स उर्दू में शो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इंग्लिश कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कौन सा अल्फाज है जिससे आप यूज़ करेंगे तो कौन सा उर्दू का अल्फाज लिखा जाएगा। शिफ्ट प्लस कीज के साथ कौन से अल्फाज लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोड्स हैं जिनको आप लिख के ऑल्ट प्लस एक्स दबाएंगे तो आपके पास अरबिक फारसी आ जाएगी। तो ये नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अभी आपको वीडियो के नीचे दूंगी, जिस पे आप जाकर हर किस्म के नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ज्वाइन माई ग्रुप, लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।